ये है वसंत सिंह सीतापुर से। इनकी बाजुओं में अपार शक्ति है। ये मल युद्ध में इंसानों को तो क्या, भैंसों के भी सिंह पकड़कर उन्हें धूल चटा सकते हैं। और इसके बाद आ रहे हैं फतेहपुर के जाबाज खुदा बख्श, कमाल के तीरंदाज ध्वनि वेदन में इनका निशाना अचूक है। यह ज्ञानेश्वर मिश्र, इनकी तलवार चट्टानों को भी काटने का सामर्थ्य रखती है। और ये विंध्य प्रदेश के देवगिरी अय्यारों के अय्यार हैं। अलग झपकते ही रूप बदल लेते हैं, तूफानों का रुख छोड़ कर रख देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। सबका परिचय कराना चाहते हैं सरदार तुमेर सिंह से, जिनके गधे के प्रहार से गजराज भी दम तोड़ देते हैं। का हम स्वागत करते हैं। शूरवीर जाबाजों का ये दस्ता विजयगढ़ की दुश्मनों से रक्षा करेगा और युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करेगा। क्या आप सब वीर अपनी मातृभूमि के लिए सर कटाने को तैयार हैं? प्राण जाए और मान न जाए। राजकुमारी जी, वैसे इन जाबाजों के दस्ते का सरदार मतलब विजयगढ़ का सेनानायक कौन होगा? क्रूर सिंह जी, वो तो हमें इन्हीं वीरों में से किसी एक को चुनना होगा। राजकुमारी जी, तो क्यों ना इन सब के बीच एक मुकाबला कराकर सेनानायक चुना जाए? हम सहमत हैं, पर वक्त की नजाकत को देखते हुए एक का एक से मुकाबला मुमकिन नहीं। दसों महारथियों को आपस में एक जंग लड़नी होगी। आप में से जो भी बाकी नौ प्रतिद्वंदियों को हराकर सबसे पहले मां काली का रक्ताभिषेक करेगा, वो ही विजेता कहलाएगा। और वो योद्धा विजयगढ़ की सेना का सेनानायक होगा। राजकुमारी जी के आदेश से मुकाबला शुरू किया जाए। We'll be right back.
शक्ति प्रदर्शन में मैं भी एक दावेदार हूं राजकुमारी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विजयगढ़ के सारे शूरवीरों को आपके सामने खुली चुनौती देता हूं। मैं भी इस शक्ति प्रदर्शन में भाग लेकर विजयगढ़ के सेना नायक के पद की दावेदारी पेश करना चाहता हूं। ये कोई गांव चौपाल का दंगल नहीं, ये विजयगढ़ का महा अखाड़ा है। और किस हक से ये दावेदारी पेश कर रहे हैं? कौन है तू कमबख्त? वीरों की पहचान उनकी जबान नहीं, उनकी तलवार देती है। कौन सा वीर, कहां का वीर? बिना पहचान बताए तुम्हें ये इजाजत नहीं मिल सकती। इजाजत आपसे नहीं, राजकुमारी से मांगी है। क्या विजयगढ़ में किसी शूरवीर को अपना पराक्रम दिखाने का मौका नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। बोलो, इनमें से किसके साथ युद्ध करना चाहोगे तुम? मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता राजकुमारी, इसीलिए मैं आपके सारे वीरों के साथ एक साथ लड़ना चाहता हूं। ये कोई योद्धा नहीं, पागल सनकी लगता है। सोच लो अजनबी, कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी घातक होता है। ज्यादा सोच इरादों को कमजोर कर देती है राजकुमारी। आप सिर्फ इजाजत दीजिए। हम तुम्हें अपने शक्ति प्रदर्शन की इजाजत देते हैं। इस पर मेरी अयारी का असर क्यों नहीं हो रहा है? तो तुमने सही कही, पर तुम ये साबित कैसे करते?
शाबाश, बहुत खूब। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी टक्कर का योद्धा पूरे विजयगढ़ में नहीं, तुम्हें अपना सेना नायक बनाकर हमें खुशी होगी। पूरा विजयगढ़ अपने सेना नायक का परिचय पाने के लिए उत्सुक है। अपना नकाब हटाओ और बताओ हमें, कौन हो तुम? नकाब हटाओ। आंखों पर यकीन नहीं, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं राजकुमारी जी, आप सपना नहीं देख रही, वीरू सच में आ गया है। जानता था मुझे देख के तुम भागी चली आओगी मेरे पास। हम भी जानते थे कि हमारे दिल की आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। शुक्रगुजार है कि तब आए हो जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राजकुमारी जी, ये वीरू विजयगढ़ का सेना नायक बनने लायक नहीं है। महारानी, ये कोई योद्धा होता नहीं, ये लकड़हारा एक मामूली सा। बस, बहुत हो चुका। योद्धाओं की पहचान बातों से नहीं, उनकी वीरता से प्रमाणित की जाती है। और वीरू अपनी वीरता साबित कर चुका है। पर जब इससे एक मेमने का सर नहीं काटा गया तो ये दुश्मनों का सर क्या काटेगा? माफ कीजिए महारानी, बात सिर्फ रक्त अभिषेक की हुई थी। इसके रक्त से अभिषेक करना है, ये राजकुमारी ने नहीं कहा था। और एक मासूम जानवर की जान लेना कौन सी वीरता की निशानी है? किस शूरवीर को यह शोभा देता है? सच कहा तुमने, वीरों की तलवार रक्षा करने के लिए चलती है, निर्दोषों को मारने के लिए नहीं। और वीरू हमारा सेना नायक बनने लायक है या नहीं, इस बात का फैसला हम नहीं, हमारी प्रजा करेगी। क्या आप सब इस योद्धा को अपना सेना नायक स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं।
बेईमानी से वीरों ने यह साबित कर दिया कि वो हमारी सेना का नेतृत्व करने के योग्य है। इसीलिए हम राजकुमारी चंद्रकांता उन्हें विजयगढ़ का सेनानायक नियुक्त करते हैं। राजकुमारी और विजयगढ़ पर तो मैंने विजय प्राप्त कर ली, बस अब तिलिस्म की चाबी को हासिल करना शेष है। विजयगढ़ के सेना नायक हो वीरू, और सेना नायक अपने शस्त्र को इस तरह खड़े होकर अनादर से नहीं बल्कि श्रद्धा से सम्मान से झुककर स्वीकार करते हैं। ये मुझसे इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? जैसा आप चाहें राजकुमारी। कल राज दरबार में नए सेना नायक वीरू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सिंह जी, सेना नायक वीरू के महल में रहने का प्रबंध कीजिए और बाकी सब योद्धाओं के लिए भी समुचित व्यवस्था कीजिए। जैसे चमत्कार ही हो गया। आप बेइंतहा याद कर रही थी ना वीरू को, और देखिए आपकी खातिर वो यहाँ चला आया। और तुमने देखा चंपा, लड़ते हुए भी वीरू राजकुमारी जी को ही निहार रहा था।